हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया कीमा, जो कि वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैं उसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बना करके दिखाऊंगी, जिससे आप भी बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सोया कीमा बनाने के लिए मैंने लिया है ग्रैनुलस वाले सोया, ये जो है चूरा होता है, मैंने लिया है। अगर आपके पास ये चूरा वाला नहीं मिल रहा है तो आप न्यूट्री का जो चंक्स आते हैं, नगेट्स आते हैं, उसको आप ले लीजिए, उसको उबाल के मिक्सी में पीस लीजिए। मैंने ये 125 ग्राम लिया है। हरी मटर लिया है, ये फ्रोजन वाली है, फ्रेश मटर नहीं है। आधी कप मटर है, दही है, फ्रेश क्रीम है अमूल की, देसी घी है, हल्दी है, मीट मसाला है, मीट मसाला आपको किसी भी दुकान में बहुत अच्छे से मिल जाएगा आसानी से, गरम मसाला है, ये कश्मीरी मिर्च का पाउडर है, नमक है, बड़ी इलायची है काली, दो छोटी इलायची है, दालचीनी का एक बड़ा टुकड़ा है, एक चम्मच छोटा काली मिर्च है, आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा है। मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं, दो मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया जिसको काट लिया है, 7-8 मैंने दाने लिए हैं लहसुन के, आधा इंच का हमने टुकड़ा लिया है अदरक का, एक हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं ज्यादा भी, मैंने धनिया की पत्ती काट ली है। मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने पैन में पानी डाल दिया है गर्म होने के लिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये ग्रैनुल्स को मैंने ऐड कर दिया है, इसको चला करके हम छोड़ देंगे, 3-4 मिनट लगेगा इसको बॉयल हो जाएगा अच्छे से। हमारा सोया ग्रैनुल्स अच्छे से उबल गया, हम इसे बंद कर देते हैं। मैंने इसको इस स्ट्रेनर में छान लिया है इस तरह से। सबसे पहले मैं मसाले बना लेती हूँ। मिक्सी के जार में हम सबसे पहले डाल रहे हैं प्याज, लहसुन डाला है, उसके बाद हम डाल रहे हैं अदरक, हरी मिर्ची डाल रहे हैं, मैंने रफली चॉप किया है, ऐसे ही काट लिया मोटा मोटा टमाटर को। और इसी समय हम सारे मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे। मैं जीरा, गोलमिर्च सब डाल रही हूँ, सिर्फ दालचीनी और छोटी इलायची और बड़ी इलायची हम छोड़ देंगे, बाद में डालेंगे पैन में सीधे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले और ये सब अच्छे से बैठ जाए, पीसने में आसान होगा। देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से बन गया है। मैं मिक्सी में दही को फेंट लेती हूँ क्रीम के साथ। मैंने ये 200 ग्राम का डिब्बा लिया था, इसमें से हमको 100 ग्राम ही यूज करना है, मैंने आधा लिया है, ये 3 चम्मच के करीब हुआ है, 3-4 चम्मच से ज्यादा मत लीजिएगा। मैं इसमें आधा क्रीम यूज करूंगी। मैंने इस पैन को चढ़ा दिया है, हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। मैंने 6 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है। मैंने 2 छोटी इलायची डाल दिया है तोड़ करके, ये मैंने दालचीनी डाला और अब मैंने डाल दिया बड़ी इलायची। मैंने जो पेस्ट बनाया था मसाले का, अब हम उसे डाल देंगे। हम थोड़ी देर इसको हाई फ्लेम पे करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को धीमा करके इसको ढक देंगे। देखिए हमारा मसाला काफी रिड्यूस हो गया इसका पानी, अब हम इसे ढक के स्लो करके पकाएंगे, कम से कम 6 से 7 मिनट। हम इसे सिम पे कर देते हैं। देखिए हमारा मसाले का जो पानी था ये काफी सूख गया है। इसी समय हम इसमें मटर ऐड कर देंगे, हरी जो हमने फ्रोजन वाली ली है। अगर आपको फ्रेश मटर मिले तो आप यूज कर सकते हैं फ्रेश। तो एक बार खोल करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, ये तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें इसी समय डाल देते हैं क्रीम और दही जो हमने फेंट के रखा है।
आंच को धीमा रहने दीजिए। क्रीम इसमें पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको क्रीम यूज करना है तो कीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। मेरा फ्लेम हाई पे है, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें पानी आधा कप ऐड कर रहे हैं, ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। आधा कप पूरा मैंने डाल दिया इसमें। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल रही हूँ जो हमने काट के रखी थी। इसको एक बार चला देंगे, बस ये तैयार है। इसका नमक एकदम मैंने टेस्ट किया है, एकदम बैलेंस है, जरा भी जरूरत नहीं है कुछ ऐड करने की। ये मैंने कम से कम 1.5 चम्मच पड़े घी डाल दिया देसी, और मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। 2 मिनट के बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा सोया कीमा बन के रेडी है सर्व करने के लिए। कितना अच्छा इसका कलर आया है, और ये देखिए पूरा इसने घी छोड़ दिया है। हम इसको बंद कर देते हैं। हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी हरी धनिया इस पे रख देते हैं। ये हमारा सोया कीमा बन के रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप पाव के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे कुलचे के साथ भी खा सकते हैं, पराठा, रोटी, राइस, आप अपनी पसंद की किसी भी चीज़ के साथ इसे खा के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।